नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। देश को दो कोरोना वैक्सीन मिल गई हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से लेकर डॉक्टर्स तक ये दावा कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है। वैक्सीनेशन से पहले फाइनल रिहर्सल भी चल रही है ताकि कोई चूक ना हो जाए। लेकिन कुछ लोगों ने कोरोना और टीके में मजहब का एंगल ढूंढ निकाला है। ऐसी बड़ी जमात है जो लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह कर रही है, और यही कारण है कि लोगों में वैक्सीन पर बहुत कंफ्यूजन है। अहमदाबाद में भी स्वास्थ्य कर्मचारी वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम बहुल्य इलाकों में उनके लिए कदम कदम पर मुश्किलें आ रही हैं। लोग वैक्सीन लगवाने से सीधे मना कर रहे हैं, और इसका कारण बेहद हैरान करने वाला है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को कैसे इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। आपको एंट्री करवानी, वैक्सीन लेंगी आप, वैक्सीन लेंगी आपकी एंट्री कर देते हैं। क्यों वैक्सीन क्यों नहीं लेनी आपको? नहीं, तो कोई भी नहीं दूर भगवान का ढूंढते हैं हमारे बेटा। नहीं नहीं, मतलब भगवान भी क्यों ढूंढना है? वैक्सीन जैसे हम लोगों ने कोरोना देखा, जिसकी उम्र ज्यादा है उसको ज्यादा परेशानी होती है, आपको पता है। तो वैक्सीन वैक्सीन क्यों नहीं लेनी? उम्र इतनी है नहीं, क्या भी घर में टेंशन, कोरोना के सब लॉकडाउन के हिसाब से काम धंधे है नहीं, तो इंसान की कमजोरी आएगी तो वो तो चेहरे से। वैक्सीन क्यों नहीं लेनी आपको? नहीं, मुझे ये चीज में इंटरेस्ट ही नहीं लेना है। और जब होने का होगा तो वो तो जो भी आप भी नहीं बचा पाओगे तो ऊपर वाले भी नहीं बचा पाएंगे। वैक्सीन बचाएगी? नहीं बचाती, और जल्दी इंसान चला जाता है। अभी हमने लॉकडाउन में देख लिए, इधर जा रहा है। तब तो वैक्सीन थी ही नहीं, तब तो वैक्सीन थी ही नहीं, अब वैक्सीन है। जितने दिन की ऊपर वाले की होगी ना, देखो उतने ही दिन जीना है। आप तो उनके बेटे हैं, तो आप अपनी मम्मी को वैक्सीन क्यों नहीं दिलवाना चाहते? ऐसा मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं कि अभी के जो माहौल के अभी की जो जनरेशन है, उसके अंदर इंसान 50 साल से ज्यादा जीता ही नहीं। इंसान की आना है तो 50 साल के बाद तो उसको जाना ही जाना। आप वैक्सीन दो या कुछ भी दो, उसको मरना है तो मरना ही हो, भले वो कोरोना से मरे या कोई भी। अहमदाबाद की सायरा पठान और उनके बेटे और हेल्थ वर्कर्स की बातचीत आपने सुनी। मेरे सहयोगी निर्णय कपूर भी सायरा से वैक्सीन ना लगवाने की वजह जानने की कोशिश करते नजर आए। सायरा का क्या कहना है वो भी सुनिए। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सायरा पठान। अच्छा सायरा, वो भी ये बताइए कि क्या वजह है, आप वैक्सीन क्यों नहीं लेना चाहते? और इससे हमको ज्यादा डर है, हमको इससे खतरा है, क्योंकि हमारे सामने ही लोग मर गए। किसी को हार्ट की तकलीफ है, किसी को बीपी की तकलीफ हुई, किसी को यानी और भी नॉर्मल यानी। ऐसे ऐसे लोगों को ही तो पहले टारगेट करके वैक्सीन दी जा रही है ताकि उनका बचाव हो सके। नहीं नहीं, हमको और डर लगती है इससे कि हो सके अभी जितनी हमारी जिंदगी जीने की है, कि जितनी हमारे को ऊपर वाले से अगर दी हुई हमारी, और अगर ये लेते ही अगर हमारे को कुछ हो गया तो फिर आप कहाँ से हमारी जिंदगी दोगे? ये आपने कहाँ से सुना कि कुछ हो जाएगा? अरे आंखों का देखा हुआ, हमारे रिश्तेदार में हुआ, हमारे आड़ पड़ोसी में हुआ, ऐसा हमारे मोहल्ले में हो गया ना। जो इतना आपको समझा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि ये सही बोल रहा है? आपकी जगह सही हो, मैं मेरी जगह सही हूँ, आई समझ लो। मुझे ये चीज में नहीं वो करना, टेस्टिंग नहीं करवाना। ज्यादातर देख रहे हैं यहाँ पे जो इलाके के लोग हैं, खासतौर पे जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, 50 साल से ऊपर की या जो कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, वो लोग वैक्सीन लेने को तैयार नहीं हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं। ये तैयार नहीं होने का रीजन ये है कि जब कोरोना नामक बीमारी फैली थी तो उस टाइम सरकारी अस्पतालों में कई लोगों की डेथ हो गई। हाँ। छोटी मोटी बीमारी वाली भी गई, डेथ हो गई। ऐसा लोगों के दिलों में वहम बैठा हुआ है, या फिर कुछ और मामला थे। गवर्नमेंट ने लोगों का दिल नहीं जीत पाई, भरोसा नहीं है लोगों को ना। भरोसा हो जाएगा तो लोग लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? अभी अभी भरोसे में लेना पड़ेगा लोगों को, ऐसा है। हाँ। नहीं तो इतना जो ये प्रचार किया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, हेल्थ वर्कर खुद आकर के बता रहे हैं, क्या ये जो बातें ये भी भरोसा नहीं जीत पा रही? इतना शॉर्ट टाइम में नहीं हो पाएगा। आप जिस तरह बोल रहे हो कि आप आज अगर समझाने और कल लोग वैक्सीन ले ले, इतना शॉर्ट टाइम में तो नहीं हो पाएगा। जब जिस तरह आप बोल रहे हो, आशा वर्कर जैसे लोग लेंगे तो उसके बाद लोग भी लेंगे, लोगों को पता चलेगा कि सही है, अच्छा है। अहमदाबाद में वैक्सीन को लेकर ये दिक्कत क्यों हो रही है, लोग वैक्सीन के खिलाफ क्यों है, इसका जवाब भी सुनिए। कोरोना वैक्सीन के लिए अहमदाबाद में सर्वे चल रहा है, और इस वक्त हम अहमदाबाद के दानी लिमड़ा इलाके के MS डुप्लेक्स में हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो वैक्सीन
ताकि रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़्यादातर हमने देखा है इन एरियाज में लोग जो हैं उन काफ़ी रेजिस्टेंस हैं, उनमें वो वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं है, वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तैयार नहीं है। रीज़न ये समझ में आ रहा है कि कई तरह की भ्रांतियाँ हैं उनके मन में, कई तरह के मिसकंसेप्शंस हैं जिसकी वजह से वो वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है। ये जो हेल्थ वर्कर्स हैं ये कई घरों में घूम रहे हैं, अलग अलग जगह पे घूम रहे हैं, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इलाके में हमने देखा अब तक करीब 10 से 12 घरों में यहाँ पे गए हैं ये, जिनमें से सिर्फ एक घर में एक व्यक्ति ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है, बाकी जहाँ भी ये गए सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाने से मना कर दिया। और कई तरह के तर्क भी दिए जा रहे हैं कि जो यहाँ पे जितने भी हमने देखा कम्युनिटी में जो लोग हैं उनके अंदर कई तरह के मिसकंसेप्शंस हैं वैक्सीन को लेकर के, उनको ये लग रहा है कि वैक्सीन से कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से वो और ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। सरकार की तरफ से कई तरह से प्रचार किया गया है, लोगों को समझाया भी गया है, उन्हें बताया जा रहा है कि वैक्सीन का कोई जो है इल इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन लोगों के मन में कोरोना को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के कई तरह की भ्रांतियां हैं, खासतौर पे जो माइनॉरिटी एरियाज हैं, खासतौर पे दानी लिबड़ा, बहरामपुरा, शाहपुर, कालूपुर जैसे जो माइनॉरिटीज एरिया हैं वहां पे हम देख रहे हैं कि लोगों में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। और यही वजह है कि वो वैक्सीन के लिए जो सर्वे चल रहा है उसमें खुद को रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं। कॉरपोरेशन की टीमें इन इलाकों में, हमें बताया गया है कि यहाँ आप देख सकते हैं कॉरपोरेशन की जो टीमें हैं वो कई कई बार आके इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लोग जो हैं वो तैयार नहीं हैं सामने आने के लिए। जो लोकल लीडर्स हैं यहाँ के, जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, MLAs हैं, उनकी भी मदद ली जा रही है, लेकिन लोगों के एटीट्यूड में कोई फर्क नहीं आ रहा है। रेजिस्टेंस जो है वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन को लेकर के वो अभी भी बरकरार है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया TV, अहमदाबाद। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बहुत लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन को मजहब से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जो जागरूक हैं, उनके लिए जिंदगी की दो डोज बेहद जरूरी हैं। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम को इस इलाके में कुछ ऐसे भी लोग मिले जो वैक्सीन के लिए तैयार हैं। आपने रजिस्ट्रेशन करवाया वैक्सीन? हाँ, कराया ना। हम देख रहे हैं बाकी कई लोग नहीं करवा रहे हैं रजिस्ट्रेशन, क्या कोई वजह? डर गए ले, पब्लिक लोग डर गए लिए वगैरह वगैरह सब गवर्नमेंट की से कि भाई ये कोई गलत है या सही, अमुक को सही लगता है वो करा रहे, जिनको गलत लगता है वो लोग नहीं करा रहे। आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, आपके मन में कोई शंका है? नहीं, कोई शंका नहीं, अपने मन में कोई शंका नहीं है। अगर कराना हो तो ठीक है, नहीं कराना हो तो कोई जरूरी नहीं है। हमने देखा आपके मोहल्ले में बाकी लोग रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं, तो क्या वजह, क्या लग रही है? वो डर के हिसाब से, बस ऐसा ही कि खौफ है कि भाई लोगों ने पहले से अफवाह फैलाई है कि भाई ये कोरोना नहीं है, गलत है, इस तरीके से उसका डर है लोगों को कि भाई ये गलत है वैक्सीन। अभी सब ऐसा ही माहौल चल रहा है, उसके वजह से, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने लोग नहीं लगवा रहे हैं आपके यहाँ, जितने लोग रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं उनको समझाइए। समझाएंगे इंशाल्लाह। ये कोई विरोध की बात नहीं है वैक्सीनेशन का, क्योंकि भारत देश के जो वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, जिनके प्रयास से ये वैक्सीन बनी है, और कुछ दिनों में इसका जो सप्लाई शुरू हो जाएगा और लोग वैक्सीन लेंगे, ऐसा रजिस्ट्रेशन चालू है। लेकिन मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की एक जवाबदारी बनती है कि लोगों को ये भरोसा और विश्वास पहले दिलवाना पड़ेगा। जहाँ तक भरोसा और विश्वास नहीं होगा तो आज जो लोगों के अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं, अखबार में आते हैं, टीवी मीडिया पे आते हैं, व्हाट्सएप के जरिए आते हैं, तो लोग दुविधा में हैं कि हमको किसकी बात माननी, कौन सी बात सच्ची है। लोगों के दिलों के अंदर डर है वैक्सीन के बारे में। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को वैक्सीन रजिस्ट्रेशन ड्राइव में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अहमदाबाद नगर निगम के डॉक्टर भाविन सोलंकी ने हमें बताया कि उन्हें किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। जो अभी मेन इश्यू आ रहा है कि मोर देन 50 इयर्स के जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके सर्वे में हम लोग ने करीब करीब अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 7 लाख लोगों को अभी सर्वे आइडेंटिफाई कर लिया है। जो भी एरिया दिक्कत आ रही है, दैट्स इन माइनॉरिटी एरियाज लाइक इन अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, दाणी लिमड़ा, बहरामपुरा,
सरखेज एरिया, रखियाल एरिया, गोमतीपुर एरिया, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें सर्वे में रेजिस्टेंस आ रहा है। लोग यूजुअली अपना फ़ोटो आईडी देने में, मोबाइल नंबर देने में थोड़ा सा हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा। ऑलरेडी हमने एक बार सर्वे उस एरिया में कर लिया है, दोबारा हम लोग यही सर्वे हम लोग करने जा रहे हैं। अहमदाबाद का हाल आपने देखा, हमें कुछ ऐसी तस्वीरें पटना में भी देखने को मिली हैं। मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र जब एक बाजार में ये जानने के लिए पहुंचे कि लोग कोरोना वैक्सीनेशन करवाएंगे या नहीं, वैक्सीन लगवाएंगे या नहीं, और लोगों पर वैक्सीन को लेकर धर्म का चश्मा यहां कैसे चढ़ा हुआ है, देखिए। कोरोना का वैक्सीनेशन कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन कई लोगों के मन में संदेह है। कई लोग कोरोना वैक्सीन नहीं लेने की बात भी कहते हैं। हम इस वक्त पटना के सब्जी बाग इलाके में हैं, ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है, और यहाँ हम कुछ लोगों से बात कर जानेंगे कि आखिर वो इसको लेकर क्या सोच रहे हैं। आप बताइए, कोरोना का वैक्सीन लेंगे आप? है मुस्लिम को नहीं है सब, है कुछ भी नहीं है, खाई आ गए हुकूमत जो हवा उड़ा रहा। तो क्यों मुस्लिम क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं है? नहीं चाहिए, अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह मौत रहेगा गवर्नमेंट बचा देगा, मौत रहेगा गवर्नमेंट बचा देगा। इसलिए तो वैक्सीन बनाया गया है, कायला मौत को रोक लेगा, इसीलिए तो वैक्सीन बनाया, मौत को रोक लेगा। आप वैक्सीन लेंगे तभी तो बचेंगे। अच्छा क्यों नहीं लेंगे वैक्सीन? क्यों नहीं लेंगे? क्या शक है, संदेह है? नहीं है, उसमें हराम चीज मिला हुआ, सुअर का चर्बी मिला हुआ। सवाल उठ रहा है, वैक्सीन पर बहुत शक है, पानी है कि वैक्सीन है, दवा है, क्या है? आप लेंगे वैक्सीन? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? दवा का कन्फर्म नहीं ना है कि सही दवा है कि नहीं है। ये बात तो जो वैज्ञानिक हैं या इससे संबंधित स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट एतमाद नहीं करते, या उसके बारे में जो धार्मिक भावनाएं जो जुड़ी हैं उसको भी, वो भी मन में है? अब वो भी मन में है। क्या उसमें चर्बी रखा हुआ है, क्या है? तैयार हैं उसको लेने के? नहीं। क्यों क्यों? हम लोग कोरोना है ही नहीं है, कोरोना है क्या? कुछ नहीं है। वैक्सीन तो अब आ चुकी है। नहीं लेंगे बोसा वैक्सीन, क्या है? नहीं है, नहीं। क्या वैक्सीन पे संदेह? नहीं, हम लोग को हमें संदेह है उस पर। कहा गया कि उसमें चर्बी है, उसको लेकर? हाँ, अब उसको सोचेंगे समझेंगे तभी तो यूज करेंगे। अपने मन बना लिया कि नहीं? अभी हम लोग मन बना लिया कि अभी हम लोग ये सब चीज़ नहीं। अभी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमारा वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। पहले सबको दे रहे तो पहले दीजिए। लेंगी आप कोरोना वैक्सीन? वैक्सीन जी लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए वैक्सीन। इसको लेकर मन में कोई शक, कोई नहीं, संदेह? नहीं तो नहीं। कहा गया कि उसमें कुछ चर्बी है, धार्मिक भावनाएं लोगों की? कहा नहीं, सरकार जो करेगी तो अच्छा ही करेगी, है ना? सरकार हम लोग का भला चाह रही है तो टीका लगाना ही चाहिए। आप बताएंगे वैक्सीन लेंगे आप? हाँ जरूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? हाँ लेंगी वैक्सीन? हाँ जी जरूर लेंगे। कोरोना वैक्सीन बिल्कुल अब वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, लेंगी? बच्चों को दिलवाएंगे? यस यस। अच्छा कोई मन में संदेह तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। तुम लोग भी तैयार हो? तो आपने इन लोगों की बातें सुनी समझा। मेरे सहयोगी निर्णय कपूर अहमदाबाद से और नीतीश चंद्र पटना से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निर्णय में पहले आपका रुख करूंगी, आपने वहां मौजूद लोगों से बात की। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये एक किसी खास समुदाय के लोगों को वैक्सीन को लेकर इतना कन्फ्यूजन है, इतना अविश्वास क्यों है, क्यों वैक्सीन लेने से ये लोग इनकार कर रहे हैं? देखिए ज्योत्सना, हम कल कॉरपोरेशन की टीम्स के साथ गए, मैं आपको बता दूं जैसे आप देख सकती हैं ड्राई रन चल रहा है वैक्सीन का, तैयारियां की जा रही हैं सरकार की तरफ से, लगातार सर्वेज किए जा रहे हैं, लेकिन हमने देखा खास समुदाय के जो लोग हैं खासतौर पे माइनॉरिटी एरियाज़ में जहां हम गए इन अधिकारियों के साथ, तो देखा काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं, बहुत भ्रांतियाँ हैं उनके मन में, कई प्रकार के मिसकंसेप्शंस हैं जिन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट हमारे साथ वो अधिकारी भी हैं, साउथ वेस्ट जोन के डिप्टी हेल्थ ऑफिसर हैं डॉक्टर नायक, जो कि खुद मॉनिटर कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। हम उन्हीं से बात करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि पिछले दिनों में किस तरह की तकलीफें उनको पेश आई हैं, क्यों वैक्सीन लेने से इतना रेजिस्टेंस है, खास तौर पे हम देख रहे हैं माइनॉरिटी एरियाज़ में। अगर हम बात करें माइनॉरिटी एरियाज़ में, वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये क्या चीज़ है हमें पता नहीं है। हम लोगों ने उनको बहुत कुछ समझाया है, लेकिन वो उनके अंदर अंदर कुछ गलत फहमियाँ फैली हुई है, जिसकी वजह से वो लोग सिर्फ सिंपली ना बोल देते कि भाई नहीं, हमें वैक्सीन नहीं लगवानी है। हमने रोपिन किया है उनके धर्मगुरुओं को,
उनके रिलीजियस लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को, मोहल्ले के आगे वालों को, फिर भी हमें बहुत कम 30% जितना ही रिस्पांस मिला है। बाकी 70% तो वो लोग सोसाइटी में अंदर एंटर होने से ही, मतलब उनके मोहल्ले में अंदर एंटर होने से ही ना बोल देते। तो आपने सुना ज्योत्सना के, ये देखिए रेजिस्टेंस इस प्रकार का है कि कम्युनिटी लीडर्स को अब रोप इन करना पड़ रहा है। हमें पता चला है कि जो धार्मिक लीडर्स हैं, जो धर्म गुरु हैं इन इलाकों के, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है, उन्हें कन्विंस किया जा रहा है कि वो इनके साथ जाकर के लोगों से बात करें। मैं आपको बता दूं कि जब से कोरोना की महामारी फैली है, लगातार हमने देखा है कि लोगों के मन में कई प्रकार के मिसकंसेप्शंस रहे हैं, और वैक्सीन को लेकर के भी यही हाल देखने को मिल रहा है। एक तरह का जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है व्हाट्सएप के जरिए, दूसरे सोशल मीडियाज पे, इसकी वजह से हमने देखा है कि लोगों में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है, और कई तरह की जो गलत धारणाएं हैं वैक्सीन को लेकर के, वो उनके मन में बैठती जा रही है, इस वजह से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो रहा है। नीतीश, हमने आपकी रिपोर्ट में भी यही देखा कि पटना का हाल भी अहमदाबाद से कुछ अलग नहीं है। वहाँ कुछ समुदाय के लोग सीधे सीधे लेने से इनकार कर रहे हैं और अजीबोगरीब दलीलें दे रहे हैं, तो ऐसे में उस वहाँ प्रशासन को, अधिकारियों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और वो कैसे उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया में जो चीज़ें आई हैं उसका असर देखने को मिल रहा है, और कई इलाकों में गया था मैं, लोगों से बातचीत की, कई लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। किसी के मन में धार्मिक भावना से जुड़ी जो बातें सोशल मीडिया में आई उसको लेकर वो तैयार नहीं है, तो कई जगह लोगों के मन में एक संदेह है कि पता नहीं वैक्सीन काम करेगा या नहीं करेगा, कितना असर होगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, तो ये सारी बातें लोगों के मन में चल रही है, और यही कारण है कि प्रशासन के लिए ये एक बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। क्योंकि देखिए, वैक्सीनेशन बिल्कुल शुरू होने वाला है, बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं, वैज्ञानिक हो या स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि ये बिल्कुल सुरक्षित है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से ये असर करेगा। लेकिन जिस तरह का माहौल है, कई राजनेताओं ने जिस तरह से बयान दिए, उसका भी असर देखने को मिल रहा है, एक भ्रम की स्थिति बन रही है, तो ये एक कह सकते हैं कि अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि कोविड की जो लड़ाई है इससे कमज़ोर पड़ेगी, और निश्चित रूप से प्रशासन के लिए एक बड़ी चिंता की बात हो सकती है, और यही कारण है कि लोगों को समझाया जा रहा है। और सबसे पहले देखिए, हेल्थ वर्कर्स को यदि इसमें जोड़ा गया है तो इसकी एक वजह यह भी है, पहले चरण में पटना में 36,000 हेल्थ वर्कर ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, और यहाँ भी मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं, ये सारे हेल्थ वर्कर हैं, डमी ट्रायल के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, दूसरे चरण का ड्राई रन आज हो रहा है, और जाहिर है ये एक तस्वीर संदेश देगी कि वैक्सीनेशन जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नीतीश, आप और निर्णय, आप हमारे साथ बने रहिए। एक तस्वीर मुंबई से आई है, अहमदाबाद और पटना के लोगों को मुंबई की इस तस्वीर को देखकर सीखना चाहिए। मुंबई के मुस्लिम समुदाय के लोग कोरोना वैक्सीन पर क्या सोचते हैं, जब मेरी सहयोगी नम्रता ने इस सवाल उनसे किया तो बहुत से ऐसे लोग मिले जो जागरूक हैं, कोरोना का खात्मा करने वाले टीके का इंतजार कर रहे हैं। वैक्सीन आ जाए और उसका ट्रायल ले लिया जाए, और उसके बारे में जो माहिरीन सेहत हैं, जो हेल्थ के माहिरीन हैं, वो जो बताएंगे, और उसके तनाजुर में हमारे मजहबी रहनुमा और पेशवा हजरात जो हमको उसके बारे में हिदायत देंगे, हम उस पर अमल करेंगे। यूँ भी इस्लाम में सेहत की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और सेहत की हिफाजत के बारे में तालीमात दी गई हैं, इसलिए अगर वो वैक्सीन सक्सेसफुल है और मुफीद है, सेहत की हिफाजत का ज़रिया है, तो और हमारे उलमाए किराम उसके बारे में हमें हिदायत देते हैं, तो हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। वैक्सीन को लेकर बहुत विवाद हो गया था कि सुअर की चर्बी है और ये सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको लेकर क्या कहेंगे, आप क्या लगता है? हाँ, अगर सुअर की चर्बी है तो उसके बारे में फिर हम जो हमारे उलमा हैं, मुफ्तियान किराम हैं, उनकी राय के इंतज़ार करेंगे, उनके फतवे के इंतज़ार करेंगे। अगर वो हमको बताएंगे कि इसके ये हराम है, तो हरगिज़ हम उसके इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। नहीं, वैक्सीन तो बहुत ज़रूरी है लगाना, और अभी खौफ जो था लोगों के अंदर वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें मतलब मास्क लगाना चाहिए, और जब तक हुकूमत बोल रही है करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उम्मीद यही कि मुंबई के इन लोगों की सोच पटना और अहमदाबाद जैसे लोगों की सोच को भी प्रभावित करेगी, और वो लोग वैक्सीन लेने के लिए कदम आगे आएंगे। बहरहाल, निर्णय आपका और नीतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बुलंदशहर में जहरीली शराब से कैसे मचा हड़कंप।